सज़ाम। दोस्तों हाल ही में सज़ाम का ट्रेलर रिलीज हुआ है और जिसे देख के आप लोग बस एक ही चीज कहेंगे, सज़ाम। लेकिन इस ट्रेलर को देख के एक बात दिमाग में आता है कि शायद एक जो रूमर फैली थी वो रूमर अब सच हो गई। वो रूमर था ब्लैक एडम को लेके। तो आज हम बात करेंगे सज़ाम मूवी में ब्लैक एडम के अपीयरेंस को लेके। तो बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते आज के समाचार। दोस्तों सज़ाम की ट्रेलर निकलने के बहुत पहले ही हर तरफ ये बात फैल गई थी कि शायद ब्लैक एडम सज़ाम मूवी में नहीं दिखेगा, और ब्लैक एडम के रोल करने वाले रॉक भी इस बात को मान लिए थे कि सज़ाम मूवी में वो विलन नहीं है, बल्कि इस फिल्म का विलन है डॉक्टर शिवाना। और कॉमिक बुक के हिसाब से डॉक्टर शिवाना सज़ाम का पावर छीनना चाहता था, जिनका रोल कर रहे मार्क स्ट्रॉन्ग, और वही इस फिल्म के मेन विलन बनेंगे। और सज़ाम के ट्रेलर देखने के बाद भी ये बात थोड़ी सी कंफर्म हो ही जाती है, जिसमें सज़ाम की बच्चों वाली हरकतें और एक फेमस वेल नोन हीरो बनने के लिए बिना जरूरत के लोगों के ऊपर मदद के लिए टूट पड़ना, ये सब कुछ बचकानी हरकतें डॉक्टर शिवाना का ध्यान खींचती है। और डॉक्टर शिवाना खुद पहुंचते हैं सज़ाम के पास उसे पकड़ के उसकी पावर्स चुराने के लिए। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर शिवाना को कॉमिक बुक्स के हिसाब से कुछ ज्यादा ही पावरफुल दिखाया गया है। कॉमिक बुक में डॉक्टर शिवाना के पास पावर तो थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो सज़ाम के मुक्के को रोक दे, और वो भी इतनी आसानी से। जो भी हो, अगर ज्यादा ताकतवर विलन की वजह से फिल्म का मजा एक्स्ट्रा हो तो इसमें हर्ज किया है। आखिर में है तो एक अलग यूनिवर्स ही, लेकिन इस ट्रेलर में हम लोगों को ब्लैक एडम की एक भी झलक देखने को नहीं मिलती, जो ब्लैक एडम की इस फिल्म में ना होने की रूमर को सच करती है। लेकिन नहीं, क्योंकि इस फिल्म के कास्ट लिस्ट में अभी भी रॉक यानी ड्वेन जॉनसन का नाम है, और वो भी एज ए ब्लैक एडम के रेफरेंस से। तो शायद इस फिल्म में हमें ब्लैक एडम की झलक देखने को मिलेगी, एज ए मेन विलन नहीं, लेकिन शायद आखिर में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ब्लैक एडम को देखने को मिले, और जिसके बाद ब्लैक एडम की कहानी नेक्स्ट फिल्म में आगे बढ़ाई जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये सब वार्नर ब्रदर्स का एक छलावा हो हाइप क्रिएट करने का, क्योंकि हो सकता है कि फिल्म के क्लाइमैक्स में ब्लैक एडम ही आए और फाइनल फाइट ब्लैक एडम के साथ ही हो। और मेले के इस सीन से ये बात हम लोग के दिमाग में थोड़ी सी संदेह का जाल बुनता है, क्योंकि मेले के इस सीन में सज़ाम के साथ ब्लैक एडम की फाइट होती है, और शायद वार्नर ब्रदर्स जानबूझकर ब्लैक एडम को हम लोग से छुपा रहे हो, जिससे कि फिल्म में एक ट्विस्ट ला सके, हम लोग एक सरप्राइज दे सके, जो कि बहुत अच्छी बात है। सरप्राइज किसे पसंद नहीं, चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात तो सियोर लगती है कि ब्लैक एडम इस फिल्म में है। वो आखिरी सीन में हो, क्लाइमैक्स में हो, या फिल्म खत्म होने के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में है जरूर, वरना सज़ाम की कास्टिंग में डैनी जॉनसन यानी रॉक का नाम क्यों रहेगा, और वो भी एज ए ब्लैक एडम के रेफरेंस से। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। सज़ाम का ट्रेलर आप लोगों को कैसा लगा, एक कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और क्या ब्लैक एडम सज़ाम फिल्म में है या नहीं, इस बारे में आप लोगों का क्या राय है, ये भी जरूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।